Hello everyone! So now we are going to discuss a new topic that is confederal and quasi federal. In my previous video, you can see that in my last video, I have discussed uh, the meaning and features of federalism. So I am dealing with the subject of political science, and in unit one, in my previous video, I was dealing with the uh, fed मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डील द टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म फेडरलिज्म एज यू ऑल रिमेम्बर इट इज़ नथिंग बट द डिविजन ऑफ पावर इन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन यानी फेडरलिज्म का मतलब होता है कि पावर जो पावर है वो कैसे डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट में अब ये पावर का डिविज़न दो टाइप से हो सकता है या तो सेंटर मजबूत हो एज कंपेर टू द स्टेट्स या फिर कई बार जो होता है कि आपके स्टेट्स बहुत मजबूत होते हैं उनको ज्यादा पावर्स होती है ज़्यादा ऑटोनमी होती है ज्यादा उनके पास सोवरानिटी होती है एज कंपेयर टू द सेंटर तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म एंड इन दैट वी आर गोइंग टू डील विद कॉन्फिडरल एंड फेडरल confederal is a type of federalism in which the power is divided between center and its states but in this type of federalism the states are more powerful the states have more autonomy they have the more freedom they have the more sovereign authority in their own state in their own region in their own territory इसका मतलब है कि जो सेंटर अथॉरिटी है वो सेंट्रल अथॉरिटी स्टेट्स के इंटरनल मैटर्स में कुछ भी रोल प्ले नहीं करता है सेंटर की जो अथॉरिटी जो पावर होता है वो बहुत लिमिटेड है एज कंपेयर टू द स्टेट्स तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं कॉन्फेडरल सिस्टम यानी वो सिस्टम जिसमें स्टेट्स आर वेरी वेरी फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजंस and in that sense, they are very much free to have their uh, autonomy on their own region. it's called the confederal system. and um, the example for the confederal systems are european union, usa, and switzerland. in this video, we are going to study uh, confederal system in usa, and we will be taking the example of european union to understand the confederal system in a much better way. अब देखिए वेन वी स्टडी अबाउट द यूनाइटेड स्टेट तो यूनाइटेड स्टेट्स में देर इज अ फेडरलिज्म फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है दैट द पावर इज डिवाइडेड अमंग द स्टेट एंड सेंटर ठीक है अब ये जो फेडरलिज्म है ये किस तरह का है कॉन्फेडरल सिस्टम यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये जो यूएसए uh, का यू का जो कॉन्स्टिट्यूशन uh, है वो रिटर्न है और वो आप सोचो 1789 के अराउंड ये फोर्स में आ गया एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनका वो सिर्फ ट्वेल्व पेजेस का है इफ़ वी कंपेयर यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन विद आउट कॉन्स्टिट्यूशन देन देर इज अ वास्ट वास्ट डिफरेंस सोचो इनके जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ बारह पेजेस में है जिसमें प्रियाम्बल है और सिर्फ सेवन आर्टिकल्स यू कुड इमेजिन ओनली देर इज सेवन आर्टिकल्स इन यू एस ए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन और इनका जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट है सोचो so, आप कहाँ सेवनटीन एटी नाइन में फोर्स में आ गया था इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन इतना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सिर्फ सेवन आर्टिकल्स हैं और अभी तक इनके सिर्फ ट्वेंटी सेवन अमेंडमेंट्स हो रखे हैं अगर हम अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन का कंपेयर करें तो अब सोचो हमारे यहाँ कब बना था हमारे यहाँ नाइनटीन से ऑपरेशन में हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और अभी तक इसके हंड्रेड अमेंडमेंट्स तो हो ही गए हैं एंड कितने सारे इसके बिल्स पास हो गए हैं सो इन अ सेंस की देर इज वास्ट डिफरेंस और ऐसा डिफरेंस क्यों है तो उसको मैं आपको एग्जाम्पल समझना चाहती हूँ ये जो यूएसए का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है सिर्फ फॉर इट्स सेंटर और एज कम्पेयरड इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसमें हमारे सेंटर्स के भी प्रोविजन्स दिए हुए हैं सेंटर के भी और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के भी उसमें प्रोविजन्स लिखे हुए हैं इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बल्कि है बहुत लेंदी है और जबकि यूएसए में ऐसा प्रोविजन होता है कि उनके सेंटर के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है और हर स्टेट इनका समझो फिफ्टी प्लस वन जितनी स्टेट हैं उन सब के लिए एक इनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप समझ रहे हैं इनकी जो स्टेट्स हैं उनका अपना अलग रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने अलग रूल्स एंड रेगुलेशन से रेगुलेट होते हैं दूसरी बात इसमें जो इनका स्टेट है यूएसए की जितने स्टेट्स हैं उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन एज डिस्कस्ड उनका अपना अलग तरीका का प्रोसीजर है और उस मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इनकी उनका अपना अलग प्रोसीजर है हर स्टेट का अलग है यूएसए में सेकेंडली uh, इनके अपने कोर्ट्स हैं और uh, दूसरी बात की जो सबसे इम्पोर्टेंट है यूएसए में दो तरह का सिटीजनशिप होता है इसे कहते हैं ड्यूअल सिटीजनशिप सेंटर का अलग होता है और स्टेट्स का अलग होता है फॉर एन एग्जाम्पल अगर मान लीजिए यूएसए का तो सिटीजनशिप सबके पास है अगर मान लीजिए कोई कोई बंदा टेक्सेस जो कि यूएसए का एक स्टेट है वहाँ वो उस स्टेट को छोड़कर अगर वो मान लो जाता है न्यूयॉर्क में रहने तो उसको टेक्सेस की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी और न्यूयॉर्क की जाकर वहाँ एक्वायर करनी पड़ेगी वहाँ की नई सिटीजनशिप सिमिलरली उसके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हैं चाहे इलेक्शन uh, कार्ड है सब में फिर उसका सिटीजन सिटीजनशिप स्टेट के रिगार्डेड चेंज होगा उसकी यूएसए की सिटीजनशिप तो रहेगी यानी सेंटर की तो रहेगी रहेगी लेकिन चूंकि उसने स्टेट चेंज किया है स्टेट बदला है तो साइमल्टेनियसली उसको सारे डॉक्यूमेंट्स में सिटीजनशिप uh, बदलनी होगी स्टेट्स के कॉलम में आप समझ रहे हो तो यानी यूएसए में हर स्टेट के अपने ओन कॉन्स्टिट्यूशन है हर स्टेट की अपनी अलग नागरिकता है उनका अलग तरीके का प्रोसीजर है लेजिस्लेटिव uh, असेंबलीज को बनाने का अलग प्रोसीजर है तो ये कॉन्फेडरल सिस्टम हमने यूएसए में पढ़ा नाउ गोइंग टू द कॉन्फेडरल सिस्टम ऑफ यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन एज यू ओल नो दैट इट अ रीजनल यूनियन और ये रीजनल यूनियन क्यों बनाया गया था सो दैट द ट्रेड कुड बी प्रोमोटेड इन दैट पर्टिकुलर रीजन ये जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं इनका मेन मकसद था कि एक एक्सटर्नल पॉलिटिकल एग्रेशन से ये बच सकें एक्सटर्नल पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस से ये बच सकें और वो जो एक पर्टिकुलर यूरोपियन यूनियन का जो एरिया है उसमें ये अपने ट्रेड को प्रमोट करने के लिए टैक्सेशन ड्यूटी हटा देते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सारा चक्कर दूर कर देते हैं एक ही करेंसी वहाँ पर चलती है सो दैट ऐसे केसेस में उनका ट्रेड बहुत प्रमोट होता है उनका उनका वो जो रीजनल इंटीग्रिटी है यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है और वो पूरी दुनिया में एक स्ट्रॉग यूनियन की तरह उभर के आते हैं तो इसलिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन एक यूरोपियन यूनियन के यूरोप के कुछ कंट्रीज मिलकर उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया लेकिन जो इनका यूरोपियन यूनियन बना है वो भी कॉन्फेडरल सिस्टम पे इसका मतलब जो इनका एक स्टेट है यूरोपियन यूनियन का जो हजहाँ हेड क्वार्टर है वो कंपैरेटिवली वीक है उसका सिर्फ और सिर्फ काम क्या है उस एरिया में पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन वाले एरिया में यानी पूरे के पूरे 27 यूरोप के देशों में ट्रेड प्रमोट करना प्लस एक्सटर्नल एग्रेशन एक्सटर्नल पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस से रोकना और इंटरनली हर यूरोपियन यूनियन की जितनी कंट्री है 27 कंट्रीज हर कंट्रीज अपने अपने तरीके से रेगुलेट करेगी उसमें जो इनका सेंटर है वो इंटरफेयर नहीं करेगा तो इस तरह से यूरोपियन यूनियन कैन ऑल्सो भी रिगार्डेड एज द कॉन्फेडरल टाइप ऑफ फेडरलिज्म नाउ वेन वी टॉक अबाउट द इंडिया आई मीन इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इन इंडिया वी कैन सी दैट देर इज अ फेडरलिज्म यानी डिविजन ऑफ पावर इंडिया में भी है बट इन इंडिया वी कैन सी दैट द सेंटर इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू द स्टेट हमारे जो स्टेट्स हैं वो कंपेरेटिवली लेस पावरफुल हैं ज़्यादा उनका ऑटोनमी नहीं है हमारा एक रिटन डॉक्यूमेंट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में सारे के सारे स्टेट्स के कैसे कैसे डील करना है वो सब कुछ रिटन है हमारे इंडिया में वी ओल नो दैट वी हैव ट्वेंटी एट स्टेट्स तो ये सारे के सारे स्टेट और हमारे यूनियन टेरिटरीज ये कैसे कैसे गवर्न होंगे कैसे रेगुलेट होंगे कैसे इसकी फंक्शनिंग होगी इसकी इसका अधिकार सेंटर को तो है ही लेकिन स्टेट्स को भी है पर सेंटर को ज़्यादा इसका अधिकार है वो ज़्यादा जा, वो जो ज़्यादा पावरफुल है कि स्टेट के किसी मैटर में इंटरफेयर कर सकता है तो वी विल हैव सर्टेन एग्जाम्पल्स थ्रू विच वी लाइक टू थ्रू विच आई लाइक टू शो दैट हाउ इन इंडिया सेंटर इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू द स्टेट्स Uh, you can see on this slide that uh, it is written that uh, you have strong centralized uh, authority here as compared to the state now coming to going to, to the next slide uh, now i'm going to discuss some examples with you through which you, uh, you through which the quasi-federalism how it फंक्शन इन इंडिया कैन बी बेटर अंडरस्टैंड कैन बी बैटर यू कैन भी बेटर अंडरस्टैंड दिस थ्योरी दट हाउ द कॉस्ट ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी सीन देखो आर्टिकल वन क्या कहता है दैट ये जो फेडरेशन है ये फेडरलिज्म ये कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ ही नहीं है आर्टिकल वन क्या कहता है दैट बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी जो इंडिया है वो यूनियन है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का यानी ये एक बड़ा ग्रुप है छोटे 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 स्टेट्स है छोटे छोटे स्टेट जो हैं वो सारे के सारे ग्रुप हैं और एक यूनियन हम फॉर्म करते हैं इससे तो ये जो फेडरलिज्म है यानी डिवीजन ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मैंशन ही नहीं है आर्टिकल वन क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का दैट इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल टू एंड थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली गिव्स द एग्जाम्पल कि हमारा जो सेंटर है वो मोर पावरफुल है इन कंपेयर टू द स्टेट मैटर्स यानी अगर मान लो जैसे एक एग्ज़ाम्पल को मैंने यहाँ लिखा है आंध्र प्रदेश का जो डिविज़न हुआ था तेलंगाना में तो आंध्र प्रदेश के असेंबली में ये बिल अपोज किया गया था कि हम आंध्र प्रदेश को डिवाइड नहीं करेंगे लेकिन फिर भी यूनियन गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट ने सेंट्रल सेंट्रल अथॉरिटी ने आंध्र प्रदेश को डिवाइड कर दिया तो दीज आर द एग्जांपल्स जिस तरह से हम ये बता सकते हैं कि सेंटर यहाँ पे बहुत पावरफुल है सेंटर कैन इंटरवीन इन द स्टेट मैटर्स ऑल्सो कई बार ऐसा होता है जैसा अगर मैं रिसेंट एग्जाम्पल ले लूँ तो मध्य प्रदेश में सिर्फ पंद्रह महीने की सरकार गिर गई आई मीन चेंज हो गया वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया वो अपनी uh, वो अपना uh, क्या कहते हैं मेजोरिटी प्रूव नहीं कर सके थे फ्लोर टेस्ट में फेल हो गए तो अननेसेसरी सेंटर uh, का इंटरफेयर करना स्टेट मैटर्स में ये भी एक अनवॉन्टेड uh, स्टेप है यानी इन अ अस कि दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉसि कॉसि फेडरलिज्म जैसे हाउ फेडरलिज्म फंक्शन इन इंडिया जैसे हाउ द सेंटर इज मोर पावरफुल इन स्टेट मैटर्स यानी स्टेट के मैटर में सेंट्रल अथॉरिटी आराम से इंटरवीन कर सकती है और उसको ज्यादा पावरफुल पावर दी गई है कि वो स्टेट मैटर्स में डिसीजन ले सके सिमिलरली इन राजस्थान दिस इज दिस आमीन I थैंकफुली mean, uh, वो सरकार तो भंग नहीं हुई आमीन I mean, उन्होंने फ्लोर टेस्ट में अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दी थी लेकिन अगेन आप स्टेट के मैटर्स में सेंट्रल अथॉरिटी का इंटरवीन करना स्टेट um, के मैटर्स में हेंडल करना ये सब शो करता है कि यहाँ सेंट्रल अथॉरिटी को बहुत पावर दी गई है स्टेट के मैटर्स में भी बोलने की ना गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड सिमिलरली इन टू थाउजेंड सेवन जब uh, उत्तर प्रदेश को अलग किया गया था तो uh, पहले नाम उसका था उत्तरांचल एंड बाद में उसको उत्तरांचल को चेंज करके हमने उत्तराखंड लाया तो इसमें भी सेंट्रल अथॉरिटी ही मेजर रोल प्ले करती है किसी भी स्टेट के डिवीजन में या किसी भी स्टेट के रीनेम uh, में इन सब में सेंट्रल अथॉरिटी इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू द स्टेट स्टेट्स इन इंडिया नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन फेडरलिज्म uh, जो कि इंडिया में कौ फेडरलिज्म है जहां पे सेंटर ज़्यादा मजबूत होती है वहां पे जो सिटीज़नशिप है वो सिर्फ एक कंट्री की ही मानी जाती है यानी जैसे कॉन्फेडरल सिस्टम में हमने पढ़ा था हमने यूएसए का एग्जाम्पल लिया था कि वहां पे ड्यूल सिटीजनशिप होती है यानी आप एट ए टाइम अपने सेंटर के तो सिटीज़न हो ही जैसे आप यूएसए के तो सिटीज़न हो ही साथ में उसके जो फिफ्टी प्लस वन स्टेट्स हैं उन सब के भी अलग अलग सिटीज़नशिप आप जिस स्टेट के हो उस स्टेट की सिटीजनशिप है आपके पास प्लस आपके पास सेंटर की सिटीजनशिप है लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं है इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है वो है इंडियन इं, इंडिया की सिटीजनशिप यानी इंडियन सिटीजनशिप नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ये जो आर्टिकल 356 है प्रेसिडेंशियल रूल लगाना इसका बहुत ज्यादा मैं कह सकती हूँ दुरुपयोग हुआ है बहुत ज़्यादा इम बहुत ज्यादा पार्शालिटी के साथ इसका एप्लीकेशन हुआ है ये जो आर्टिकल 356 है या फिर गवर्नर का अपॉइंट करना अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन द स्टेट्स ये सब क्या है एक सेंटर के हाथ में बहुत ज़्यादा ताकत दे दी गई है कि वो स्टेट मैटर्स में कभी भी इंटरफेयर कर सकता है कभी भी इंटरवीन कर सकता है कभी भी उनकी स्टेट असेंबलीज को भंग कर सकता है यहाँ पे मैंने दो केस लॉज डिस्कस किए हैं आपके साथ एक है रामेश्वर प्रसाद यूनियन ऑफ इंडिया ये बिहार में हुआ था जहाँ पे जो रूलिंग पार्टी थी गवर्नर ने ये कहा कि जो रूलिंग पार्टी थी उन्होंने इमोरलिटी के ग्राउंड्स पे ये इलेक्शन जीता है और उन्होंने कम्प्लेन किया गवर्नर ने कम्प्लेन किया सेंटर में और सेंट्रल अथॉरिटी ने डिसीजन लिया कि वहाँ प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा तो यानी आप फिर ये मैटर कोर्ट तक पहुँचा कोर्ट ने ये कहा कि नहीं इमोरे इमोरलिटी जो इन इट सेल्फ नाम है वो पर्सन टू पर्सन इज अ मैटर ऑफ सब्जेक्ट यानी पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंट हो सकता है और उन्होंने कुछ ऐसा इमपार्शियलिटी या इमोरलिटी नहीं देखा सॉरी नॉट इम्पार्शालिटी इमोरेटी नहीं देखा इस इलेक्शन में सो so, इनका जो प्रेसिडेंशियल uh, रूल लगा था उसको कोर्ट uh, ने आई मीन डिसअग्री कर दिया डिसअप्रूव कर दिया सिमिलरली इन द केस ऑफ एस आर बोमाई इसमें भी वी कैन सी दैट Uh, ये आर्टिकल 356 लगा दिया था इन्होंने uh, गवर्नर ने लेकिन uh, कर्नाटका में अमिन एस आर बोमाई की सरकार थी और uh, वहाँ के जो uh, गवर्नर थे उन्होंने यू कैन सी ऑन द स्लाइड दैट डिसमिस कर दिया था 1989 में अंडर आर्टिकल 356 एंड प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज द डिसमिसल वाज ऑन द ग्राउंड दैट बोमाई गवर्नमेंट हैड लॉस्ट इस मेजोरिटी ये जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रही थी जैसा अभी अभी मध्य प्रदेश में हुआ या राजस्थान में होने की कोशिश थी ठीक वैसे ही कुछ सिमिलर केस हुआ था 1989 में जहां पर वो जो गवर्नर थे उन्होंने कर्नाटका के गवर्नर थे उन्होंने कहा था कि जो एस आर बम्बई हैं उन्होंने अपनी अपना क्या कहते हैं अपना वो जो जादुई अंक है या फिर जो जितना उनके पास एम होना चाहिए वो फ्लोर वो उतना उनके पास नहीं है उतना विश्वास पत्र नहीं उनके पास यानी वो फ्लोर टेस्ट Uh, उनको इनफैक्ट फ्लोर टेस्ट के लिए भी नहीं बुलाया गया और उनको ये कहा गया कि नहीं आपके पास इतना नहीं है uh, इतने एम नहीं है इस इस बेसिस पे गवर्नर ने वहां को गवर्नर ने सेंट्रल अथॉरिटी ये सब मिलकर वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल लगाना चाह रहे थे लेकिन ये फिर कोर्स ये जो केस था वो कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने यू कैन सी आई हैव हाईलाइटेड दिस द वर्ड इट कंक्लूडेड दैट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एब्सलूट यानी कि आप प्रेसिडेंशियल रूल कहीं भी लगा सकते हैं 356 आर्टिकल के थ्रू शुड बी ऑन रिजनेबल ग्राउंड आपको प्रेसिडेंट ये आर्टिकल 356 के थ्रू आपको बहुत ज्यादा अथॉरिटी नहीं मिली है कि आप जब मन चाहे जिस स्टेट असम्बली को आप भंग कर दें तो इन द दिन इन द इन द नेक्स्ट स्लाइड आई आई हैव डिस्कस द अनदर केस दैट इज मनोरमा रेप केस बाय असम राइफल्स एक ये जो यू कैन सी यर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट ये जो 1958 में लाया गया था वो उसके भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए थे जैसे ये के ये ये जो एक्ट्स uh, होते हैं ये मिलिट्री एक्ट्स के होते हैं कि मान लो जैसे कुछ रीजन्स हुए जैसे एज वी ओन नो दैट पंजाब जम्मू कश्मीर ये सब जो या फिर uh, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ पे बहुत इंटरनल डिस्टरबेंस हो जाता है और साथ में कई बार उसको एक्सटर्नल सपोर्ट भी मिल जाता है तो ऐसे केसेस में वहाँ की जो खुद की पुलिस होती है वो इतना कैप, कैपेबल नहीं होती है वो ऐसे ऐसे केसेस को डील करने के लिए या ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए तो ऐसे तो इस ऐसे इस, 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 केसेस में जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो अपने स्पेशल फोर्सेस भेजती है सो दैट दी सो दैट कि वहाँ की स्थिति कंट्रोल हो जाए वहाँ का सिचुएशन कैन कम अंडर कंट्रोल बट समाइम्स ये जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वही इंफ्रेंच कर देते हैं वहाँ के सिटीजन्स के राइट वही अरबाइटर हो जाते हैं वही वॉयलेटर हो जाते हैं तो ये जो केस है मनोरमा रेप केस बाय असम राइफल ये भी एक वैसे ही केस है जिसमें खुद इंडियन आर्मी का जो स्पेशल एक्ट स्पेशल फोर्स एक्ट था उसका उसका जो मिलिटेंट था वही रेपिस्ट हो गया था इंडिया के सिटीजन जो असम की थी मनोरमा देवी उनके मतलब रे, रे, रेप उसने करा था तो ये ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें स्टेट को काफ़ी वीक कर दिया गया है एज कम्पेयर टू द सेंटर और सेंटर डिफरेंट डिफरेंट लॉज के थ्रू डिफरेंट आर्टिकल्स के थ्रू स्टेट मैटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरवीन करता है इंटरफेयर करता है सो दीज़ आर द एग्जाम्पल कि हाउ देंटर इज़ मोर मोर पावरफुल एज कंपेयर टू द अदर फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जैसे हम कॉन्फेडरल बात करते हैं जहाँ सेंटर आपका बहुत बहुत कमज़ोर होता है वो सिर्फ आपकी एक्सटर्नल uh, सुरक्षा देता है एक्सटर्नल आपको एक्सटर्नल पोलिटिकल एग्रेशन से आपको ताकत देता है और आपके रीजन में ट्रेड प्रमोट करता है कॉन्फेडरल में और जहाँ पे हम कॉसी फेडरल को देखते हैं कि कॉसी फेडरल में जो सेंटर होता है उसको बहुत पावरफुल पावर power होती है और वो स्टेट के इंटरनल मैटर्स में भी इंटरवीन करने लगता है यहाँ पे ऑन थ्रू दिस स्लाइड आई हैव डिस्कस हम डिफरेंस बिटवीन कॉन्फेडरल एंड कॉसी फेडरल जिसमें आई हैव डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ इन कॉन्फेडरल सिस्टम द सेंटर इज कम्पेरिटिवली कंपेरेटिवली हैव लेस पावर एंड इन कॉसिफेडरल देंटेट इज मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू द स्टेट और क्या होता है यहाँ पे कॉन्फेडरल में क्या होता है दैट लार्ज डिग्री ऑफ ऑटोनोमी एंड इंडिपेंडेंस इज गिवेन टू द स्टेट एज कंपेयर कॉसिफेडरल में क्या होता है दैट बाउंड टू रिस्पेक्ट द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी चाहे वो आर्टिकल टू के या थ्री के या फिर आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स के अकॉर्डिंगली वो कई बार स्टेट्स जो होते हैं वो मजबूर होते हैं सेंटर की बात मानने के लिए यानी उनके पास इतनी ऑटोनोमी नहीं होती है थर्ड uh, में आई हैव डिस्क वीक बॉडी इलेक्टेड बाई द मेंबर हाँ एज सच यहाँ सेंट्रल ग देखो देर इज़ नो सेंट्रल गवर्नमेंट एज सच इन अ कॉन्फेडरेशन बट रादर अ वीक बॉडी इनकी जो सेंट्रल एक बॉडी होती है वो बहुत वीक होती है क्योंकि उसके पास ज़्यादा पावर ही नहीं होते उसका सिर्फ दो ही मोटिव होता है पहला कि पोलिटिकल uh, कोई एक्सटर्नल पोलिटिकल डिस्टर्बेंस ना हो और दूसरा जो मेन होता है इनका पर्पस कि ये पॉलिटिकल एक्सटर्नल पॉलिटिकल डिसीजन ले सकें और दूसरा कि ये उस रीजन का डेवलपमेंट कर सके ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड बिजनेस या सोशल इंटीग्रेशन तो इनके पास पावर्स बहुत कम होती हैं कॉन्फेडरल में सेंटर के पास एज़ कम्पेयर जो कौसी फेडरल है वहाँ पे पावर सेंटर के पास बहुत ज़्यादा होती है यू कैन रीड द हाईलाइटेड कॉसि फेडरलिज्म गवर्नमेंट हैज ग्रेट पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन द लास्ट वन इज बट दे आर नॉट लीगली हाँ इन कॉन्फेडरेशन स्टेट अग्री टू कम टूगेदर फॉर वेरियस पर्पज बट दे आर नॉट लीगली टायर टुगेदर एंड कैन टेक्निकली बैकअप और एग्जिट द कॉन्फेडरेशन वेन एवर दे वॉन्ट यानी इसका मतलब होता है कि जब उनका मंच स्टेट्स का अपने सेंटर से वो अलग हो सकते हैं अब मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ यूरोपियन यूनियन में पहले इसके मेंबर 28 थे लेकिन ब्रिटेन अलग हो गया सिमिलरली यूएसए में जो इसके स्टेट्स हैं उसमें टेक्स ने कोशिश की थी कि वो यूएसए से अलग हो जाए इस तरह से सिमिलरली बहुत सारे स्टेट्स ने कोशिश की लेकिन बाद में उनके यहाँ अमेरिकन सिविल वॉर हुआ जो फर्दर अब एक साथ इतने सारे स्टेट्स जो अलग होना चाह रहे थे ये मूवमेंट को रोक दिया गया लेकिन ऑल दो वहाँ कॉन्फेड्रेशन है इसका मतलब है कि ऑल्डो वहाँ पे जो सेंटर है वो बहुत कमज़ोर है वो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती स्टेट के अपने पर्सनल मैटर्स में और वहाँ तो इतना कॉन्फेडरल है कि सोचो स्टेट्स जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वहाँ पे 50 ऑलमोस्ट 50 स्टेट्स हैं यू में उन सब का अपना ओन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे के सारे बिल्कुल uh, बिल्कुल सोवरेन uh, हैं बिल्कुल दे हैव द राइट्स टू रेगुलेट दे ओन स्टेट मैटर्स और कौसी फेडरल में ऑन द कॉन्ट्ररी वी कैन सी दैट देर आर बाइंडिंग हाँ ये जो जो स्टेट्स होते हैं कॉसी फेडरल में वो बाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ दे के नॉट इवन थिंक देम टू कट आउट देम फ्रॉम द सेंटर यानी दे के नॉट थिंक टू गो द सेंटर वो सेंटर से हट नहीं सकते अलग नहीं हो सकते दे डोंट हैव एनी राइट्स वेन वी टॉक अबाउट द कासी फेडरल सिस्टम

के बेसिस पे ही नहीं सोशल कॉज पे भी इनका सबका डेवलपमेंट हो सके और पॉलिटिकल मैटर्स में इसका मतलब है कि कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन से उनको सुरक्षा मिल सके एंड इन द लास्ट पैराग्राफ हाईलाइटेड वन इज कौ फेडरेशन शुड बेनिफिट मेंबर स्टेट्स यानी ये जो साथ आए हैं चाहे कॉन्फेडरल टाइप से साथ आए हैं डिफरेंट स्टेट्स या कौसी फेडरल टाइप के हों लेकिन इनका जो मेन पर्पज होना चाहिए मेन पर्पज़ ये होना चाहिए कि बेनिफिट हो सके सारे के सारे स्टेट्स का और इन ए बेनिफिट हो सके उस रीजन का उस नेशन का सो दिस इज ऑल अबाउट द फेडरलिज्म दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द फेडरलिज्म दैट इज़ कॉन्फेडरल एंड कॉसिफेडरल आई होप यू लाइक इट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो